तीन महीने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के आसार बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। रूस जहां यूक्रेन पर कंट्रोल करने में जुटा हुआ है, वहीं यूक्रेन भी विदेशी हथियारों की मदद से जबरदस्त पलटवार कर रहा है। कई शहरों में भीषण जंग की स्थिति है, तो वहीं पूर्वी यूक्रेन की अगर हम बात करें, ये इस वक्त हम मैप के जरिए आपको बताते हैं, ये पूरा यूक्रेन का मैप आपके सामने, और इस मैप के जरिए हमने आपको सैकड़ों दफा हजारों दफा तस्वीरें दिखाई है कि कैसे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब वो कौन कौन से इलाके हैं ये इस वक्त हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये पोपासना, इस इलाके में भी हम आपको बताते हैं जहां पे कोशिश कर रही है यूक्रेनी सेना कि इस इलाके को हम किसी भी सूरत में जाने नहीं दे। खार्किव जो कि क्यू के बाद, यानी राजधानी क्यू के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी शहर पर टारगेट किए गए तो खार्किव पे, क्योंकि ये आर्थिक तौर पे बहुत ही मजबूत इलाका है और यहां से पूरे यूक्रेन को आप कह सकते हैं कि मजबूती मिलती है। अब यहां पे भी रुक रुक कर ही सही, लेकिन प्लानिंग चेंज करके ही सही, लेकिन यहां पे रूसी सेना हमेशा अलर्ट रहती है कि ये हमारे कंट्रोल में आ जाए, लेकिन अभी भी नहीं है। इज्यूम रूबिस ने लुहांस का ये इलाका, डॉनबास का ये इलाका, जो युद्ध शुरू होने से पहले ही ये कंट्रोल में था, अब यहां पे यूक्रेनी सेना क्या कर रही है, इस इलाके को वो चाहती है कि वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। और ये इन सारे जगहों पे, पोपासना में भी, खार्किव में भी, इज्यूम में भी, रूबिसने में भी, लुहांस्क और डॉनबास में भी, इन सभी इलाकों में यूक्रेनी सेना क्या कोशिश करती है कि हम किसी भी सूरत में किसी भी शहर का एक इंच जमीन भी नहीं जाने दे रूसी सेना के कंट्रोल में। ये इस वक्त हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो रणनीति स्ट्रैटेजी जो तैयार की है, उन्हें तीन महीने की जंग के दौरान तीन बार बदलनी पड़ी है। जंग की शुरुआत यूक्रेन पर सीधे हमले के तौर पर हुई, लेकिन पुतिन को जल्द ही यह समझ में आ गया है कि सीधी जंग में वो यूक्रेन से सालों तक लड़ाई लड़ने के बाद भी जीत नहीं पाएंगे। यूक्रेन जंग में रूस ने बदली रणनीति। पूर्वी यूक्रेन में हमले किए तेज। रूस के निशाने पर डॉनबास, रूस के खिलाफ जेलेंस्की मांगे और हथियार। А тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। रूस ने जंग की शुरुआत में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की भरकम कोशिश की, लेकिन कीव की जंग में मात खाने के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके पर हमले शुरू कर दिए। बदली रणनीति के चलते रूस को अपने इस नए प्लान में कामयाबी मिली और रूसी फौज ने दक्षिणी यूक्रेन के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। दक्षिणी यूक्रेन में मिली कामयाबी के बाद अब एक बार फिर रूस ने अपनी रणनीति बदली है। अब रूसी सेना के निशाने पर है पूर्वी यूक्रेन, यानी वो इलाका जहां जंग शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित अलगाववादियों के दो क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क को बतौर दो देशों के मान्यता दे दी थी। की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद तीन आतंकियों को ढेर कर दिया है। एक पुलिसकर्मी भी इस बीच शहीद हो चुके हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो घाटी में जिन आतंकियों ने अशांति फैलाने की कोशिश की, फिलहाल हमारे जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन के जरिए उन्हें ढेर कर दिया है और एक दो नहीं, तीन आतंकी मारे जा चुके हैं। बारामूला इलाके में तीन आतंकी ढेर किए जा चुके हैं और पहले से ही पुलिस को, स्थानीय पुलिस को भी और
सुरक्षा बलों को भी जानकारी इसके बारे में मिल गई थी और संयुक्त ऑपरेशन के दौरान इन्होंने ढेर कर दिया। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक पुलिस के जवान भी इस दौरान शहीद हो गए। तो केडी एरिया में जो कि गुलमर्ग के बहुत आसपास है, वहां पर पुलिस आर्मी के साथ एक चांस एनकाउंटर हुआ जिसमें पाकिस्तानी जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए हैं। ये टेररिस्ट पिछले 3-4 महीना से इस एरिया में एक्टिव था, इसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे एक पुलिसकर्मी साथी हमारे शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। शहीद जवान को नम आंखों से विदाई भी दी जा रही है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी को आखिरी विदाई दी जा रही है, नम आंखों से विदाई दी जा रही है और इन्हीं जवानों की इन्हीं सुरक्षा कर्मियों के बदौलत घाटी में शांति बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। यानी जब भी आतंकवाद यहां पे सर उठाने की कोशिश करता है उसे कुचलने का काम हमारे यही सुरक्षा बल करते हैं। हालांकि इस बीच इनके बदौलत 3 ऐसे आतंकवादी हैं जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि जैश के वो आतंकवादी थे, उन्हें ढेर कर दिया गया, हार्डकोर आतंकवादी। लेकिन इस बीच जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है और सुरक्षा बलों के साथ वहां की जो स्थानीय पुलिस है उसकी बड़ी भूमिका होती है आतंकवादियों की कमर तोड़ने में। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ 1 रुपए में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें आप और 1,00,000 रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं। नाम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से पुतिन की फौज पर हमला बोलती नजर आई। लॉन्चर से निकलने के बाद आग उगलते रॉकेट रूसी सेना के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए आसमान में तेजी से आगे बढ़ते दिखे। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां रॉकेट की बरसात शुरू हो गई हो। दुश्मन पर हमला बोलने से पहले इसकी तैयारी भी की गई। सबसे पहले इस मल्टीपल लॉन्चर में रॉकेट लोड किए गए। इसके बाद उस लॉन्चर को उस जगह ले जाया गया जहां से दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोलना था। तैयारी पूरी होते ही जेलेंस्की के सैनिकों ने रूसी सेना के ठिकानों पर निशाना साधा और फिर उन पर रॉकेट की बौछार कर दी। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों में रूसी सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। इस बीच खबर है कि जेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने के लिए रूस बेहद ताकतवर बैरल बम का इस्तेमाल कर सकता है। आरोप है कि सीरिया के गृह युद्ध में वहां की बशर अल असद की सरकार ने विद्रोहियों को पीछे धकेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया था जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। और अब ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में इसी बैरल बम का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। सीरिया में गिराए गए बैरल बम का एक वीडियो भी अखबार ने जारी किया जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से इस ताकतवर बम को एक रिहायशी इलाके में गिराया गया। जैसे ही बम जमीन से टकराया वहां कानों को फाड़ देने वाला एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। धमाके के बाद वहां धूल और धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। उस वक्त ये दावा किया गया था कि इस बैरल बम की वजह से वहां मौजूद कई इमारतें ध्वस्त हो गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी। हालांकि उस वक्त सीरिया की सरकार ने विद्रोहियों पर बैरल बम का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन दावा है कि अब इसी घातक और खतरनाक हथियार से पुतिन की सेना यूक्रेन में तबाही मचाने का प्लान तैयार कर चुकी है। क्योंकि बैरल बम बनाने वाले सीरिया के 50 से ज्यादा एक्सपर्ट रूस में हैं, जिन्होंने कई हफ्तों तक रूसी सेना के अधिकारियों के साथ काम भी किया और इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमले के लिए कई बैरल बम तैयार भी कर लिए हैं। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले और तेज होने वाले हैं। असल में इस जंग में नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और युद्ध में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसे घातक और ताकतवर हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज के सामने पिछले 3 महीने से खड़ा है। इसी वजह से पुतिन नेटो पर भड़के हुए हैं।
उनका आरोप है कि यूक्रेन को हथियार दिखाकर नेटो जंग को भड़काने का काम कर रहा। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के हथियारों से भरे ट्रक को उड़ाने का दावा किया। हालांकि हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के सैनिक रूस के हथियारों से भरे ट्रक और उसकी सेना के ठिकानों को उड़ाते दिखे। इस वीडियो में रूस के सैन्य ठिकानों पर हथियारों से भरा एक ट्रक खड़ा नजर आया। उसी वक्त यूक्रेन की फौज ने हवाई हमला कर हथियारों से भरे ट्रक को उड़ा दिया। ये हवाई हमला इतना ताकतवर था कि वहां काफी देर तक आग के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस इलाके में रूस के कई और सैन्य ठिकानों को इसी तरह तबाह कर दिया गया। वहीं मारियोपोल पर कब्जा जमाने के बाद रूसी सेना ने शहर के अलग अलग हिस्सों में बिछाई गई बारूदी सुरंगों और बमों को नष्ट करने का काम तेज कर दिया। यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद रूस ने इस शहर पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। और तो और, पुतिन ने मारियोपोल को जीतने के लिए अपने सबसे वफादार रमजान कादिरव को भी। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना पर बड़ा हमला। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 महीने से चल रही इस जंग में हजारों लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। कर दिया, लेकिन अजोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने में रूस को नाको चने चबाने पड़ गए, क्योंकि प्लांट में छिपे अजोव रेजिमेंट के सैनिकों ने उसे कई दिनों तक कड़ी टक्कर दी। हालांकि बाद में रूस ने यह दावा किया कि उसकी सेना के आगे अजोव रेजिमेंट के ज्यादातर सैनिकों ने हथियार डाल दिए। लेकिन जंग के दौरान रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने न सिर्फ स्टील प्लांट बल्कि शहर के कई हिस्सों में लैंडमाइन बिछाई, और अब उन्हीं बारूदी सुरंगों और बमों को नाकाम करने के लिए पुतिन की सेना पिछले कुछ दिनों से जुटी है। और इसके लिए रूसी सैनिक एक खास तरह की मशीन का इस्तेमाल करते दिखे। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें अजोव सागर के किनारे एक भारी भरकम मशीन खुदाई करती हुई आगे बढ़ती नजर आई, और इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके भी होते रहे। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में कुछ रूसी जवान समंदर के किनारे मशीन की मदद से लैंडमाइन की तलाश करते दिखे। तभी वहां एक बड़ा बम दिखाई दिया जिसे रूसी सेना के जवानों ने धमाका कर नष्ट कर दिया। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी रूसी सैनिकों ने धमाका कर यूक्रेन के लगाए बमों को तबाह कर दिया। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को तबाह करते दिखे। हालांकि रूस ने यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के जवानों के पास बेहद ताकतवर मश्ता बी तोप नजर आई, जिसके जरिए सैनिकों ने पहले टारगेट सेट किया। टारगेट सेट होने के बाद पुतिन के जवान तोप में गोला भरकर उसे तैयार करते नजर आए, तो वहीं एक सैनिक अपनी नोटबुक में कुछ लिखता दिखा। फिर कमांडर के आदेश पर फौजियों ने पोजीशन ली और दुश्मन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलाबारी कर उसे तबाह कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक धुआं उठता दिखाई दिया। रूस की मस्ता भी तोप 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है और 29 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। रूस ने दावा किया कि उसने इसी तोप से यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके कुछ रोज बाद ही अमेरिका ने फ्रांस और इटली के साथ मिलकर इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत की थी। लेकिन अब इस मिलिट्री ड्रिल में उसने अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस हैरियस ट्रूमैन को भूमध्य सागर में उतार दिया। असल में अमेरिका ऐसा करके रूस को यह दिखाना चाहता है कि अगर उसने नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। हालांकि वो पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहा उसका सैन्य अभ्यास रूस को यही बताने की कोशिश है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरियस ट्रूमैन का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते दिखाई दिए। यही नहीं, जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान उतरते भी नजर आए। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई खतरनाक मिसाइलें भी तैनात हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान मिटाने की ताकत रखती हैं। इधर आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले का नाम बदलने के ऐलान पर बवाल हो गया। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने जिले का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करने के फैसले पर लोगों से जफत सुझाव मांगे, जिसके बाद पूरे जिले में जोरदार विरोध शुरू हो गया और इस विरोध की तस्वीरें वहां के अमलापुरम इलाके से भी सामने आई, जहां राज्य सरकार के फैसले। यूक्रेन
यूक्रेन से इस वक्त खबर है, जहां लिवान शहर पर हमला। रूस की तरफ से हो रही भारी गोलीबारी, यूक्रेन के लिवान शहर से उठ रहा धुआं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों